जनगणना के मामले को लेकर आज जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने डीसी से मुलाकात की और जनगणना करने वाले कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 2011 का जनगणना शुरू हो चुका है। शुरू होते ही अब ये जनगणना विवाद में आ गया है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जनगणना कर्मचारी एवं अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा है कि कर्मचारी घर में बैठकर फॉर्म नहीं भरता, सिर्फ फॉर्म देकर वापस आ जाता है, जिसके कारण जनगणना में गड़बड़ी हो रही है। इस मामले को लेकर इन कार्यकर्ताओं ने आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जनगणना कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो जनगणना में ऐसा है कि हर घर में वहाँ पेपर दे दिया जा रहा है। बिरसा नगर जोन नंबर जो काफ़ी बड़ा बस्ती है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का, और वहाँ पर ही आए दिन जो है आदमी लोग जनगणना के लिए इंतजार में बैठा रहा कुछ सालों से, मगर आज जनगणना आया तो जनगणना में पेपर बांट दिया जा रहा है, जीरोक्स पेपर, जो सरकारी पेपर है कोई अता पता नहीं है, उसमें 30 सवाल लिखा जाता है, मगर अभी जो पेपर हम लोग बस्ती वासियों को मिला उसमें 10 ही का सवाल है, उसमें आदमी क्या भरेगा जब उसको मालूम नहीं है। तो इसमें सही मायने में तो सरकारी कर्मचारी का हक बनता है, हर घर पे जाए, अपना समय, कीमती समय दे के उनसे अपना जनगणना का जो भी परिवार है उसका सबसे पूरा पूछताछ, जन्म, हर चीज़ के बारे पूछना चाहिए, जाति उति, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग के हाथ में अभी भी पेपर है और पूरा बस्तीवासी जो है परेशान है। इसीलिए हम लोग डीसी से करने आए हैं कि जो भी इस काम को दिया गया है उस पर कार्रवाई करे, और हमारे देश का अगर ऐसा हाल हुआ तो जनगणना में कुछ आदमी छूट जाएंगे।